नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन पर। चुनाव नतीजों के दूसरे दिन फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 9 पैसे की हुई बढ़ोतरी। जालौर के भीनमाल में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर को किया गिरफ्तार। वाहन चोरों ने 14 वारदातों का किया खुलासा। और यूपी के संबल में अधेड़ व्यक्ति ने लगाई फांसी, परिवारजनों ने जताई आत्महत्या की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में उत्तर पूर्वी रेलवे ने कोहरे और प्रतिकूल मौसम की वजह से 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती में चलने वाली 8 ट्रेनें भी शामिल है। ट्रेनों के रद्द करने की यह प्रक्रिया गुरुवार से प्रभावी होगी और 15 फरवरी 2019 तक जारी रहेगी। आधिकारिक तौर पर ट्रेनें रद्द करने के अलावा 14 ट्रेनों के फेरे भी घटाए गए हैं। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें गोरखपुर अमृतसर एक्सप्रेस, अमृतसर गोरखपुर एक्सप्रेस, सीतामढ़ी आनंद विहार एक्सप्रेस, आनंद विहार सीतामढ़ी एक्सप्रेस, जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस, इलाहाबाद बस्ती एक्सप्रेस और बस्ती इलाहाबाद एक्सप्रेस शामिल है। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर में ग्राम पंचायत रुदावल के ग्राम नाथपुरा के राजकीय विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब सत्यमेव न्यूज ने विद्यालय की स्थिति जानी तो बच्चे सर्दी के चलते बाहर परिसर में धूप में बैठकर पढ़ाई करते नजर नहीं आए। विद्यालय में 43 बच्चों का नामांकन है और 2 शिक्षक पदस्थापित है। विद्यालय परिसर में लगा हेडपंप काफी समय से खराब पड़ा है, इस वजह से बच्चों के लिए पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं है। और वहीं पोषाहार पकाने के लिए गांव के नलों से पानी लाना पड़ता है। जब विद्यालय परिसर के सामने ही खेल मैदान और रसोई घर बना हुआ है, रसोई घर के सामने मैदान को गांव के लोगों ने कचरा संग्रहण करने का स्थान बना दिया है, जो गांव की हालत को बदसूरत कर रहा है। इस विषय में शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जिससे समस्याओं से निजात मिल सके। नई दिल्ली में चुनाव नतीजों के दूसरे दिन बुधवार को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 9 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपए 29 पैसे की दर पर पहुंच गया है। डीजल की कीमतों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पिछले करीब 2 महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना या तो घट रहे हैं या फिर स्थिर है। जालौर के भीनमाल में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार शहर में बढ़ रहे वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने को लेकर भीनमाल पुलिस द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत भीनमाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर का पर्दाफाश कर दिया है और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने पर 14 वारदातों को अंजाम देना उन्होंने कबूल लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य मोटरसाइकिलों के बारे में चोरी करने का खुलासा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पूर्वा नगर पंचायत के नवनिर्वाचित चेयरमैन रेणु गुप्ता के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें विधायक अनिल सिंह ने कई कार्य योजनाओं का भव्य लोकार्पण किया, जिसमें लगभग 50 लाख की धनराशि से बनी हुई कई कार्य योजनाएं जैसे पिंक शौचालय, इंटरलॉकिंग रोड आदि का विधायक अनिल सिंह, चेयरमैन रेणु गुप्ता, अधिशासी अधिकारी रेणु यादव के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक जी, आज जैसा कि नगर पंचायत की वर्षगांठ मनाई जा रही है और यहाँ पर कई कार्यों का अनावरण, शिलान्यास भी किया गया, उद्घाटन भी किया गया है, आज यहाँ पर आप क्या शुभकामनाएं देंगे इस नगरवासियों को? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आप मीडिया के लोगों को, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हर समय हर क्षण बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जितना भी विकास कार्य का
जो है वो दिखाते भी हैं और जो नहीं हुआ है वो हमको बताते भी हैं, तो उस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और फिर उसके बाद ये कहूँगा कि ये हमेशा होना चाहिए, नई व्यवस्था जरूर लागू होना चाहिए। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका एक ही सपना है कि हर क्षण हर समय हम सोचेंगे तो जनता के लिए और अपने देश के लिए अपने प्रदेश के लिए। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल के थाना हयातनगर के गांव सेजना में एक अधेड़ व्यक्ति ने सुबह जंगल में जाकर फांसी लगा ली। जब परिजनों को एक घटना के बारे में पता चला तो परिवारजनों ने कहा कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवारजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या डालचंद जो से बोलो डालचंद कौन सा गांव है ये? सेंजना। थाना कौन सा लगता है? यातनगर। ये लड़का आपका खत्म हुआ कैसे? खत्म हुआ फांसी खाकर। फांसी कहाँ पर? गांव से जंगल में। ये कैसे खत्म हुआ? फांसी खाकर। कोई आपकी रंजिश थी किसी से? क्या कुछ रंजिश नहीं थी। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को शीत ऋतु की शुरुआत का पहला कोहरा पड़ा और कोहरे के साथ ही पड़ी जोरदार कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर ने तो लोगों को अपने घरों से छुपने को मजबूर कर दिया। कोहरे के कारण लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है, वहीं सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौसम में ठंडक बढ़ने से कृषक वर्ग में तो खुशी का आलम छा गया है। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर में गुरुवार को हल्की बारिश और बर्फबारी हुई, इस वजह से मौसम विभाग ने मौसम में सुधार की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा कि आज दोपहर से मौसम में सुधार की उम्मीद है। बीते 24 घंटों में राज्य में बारिश और बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में तापमान 0 से 9.5 डिग्री नीचे रहा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री और पहलगाम में 0 से 1.5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू में तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस और कटरा में 6.5 डिग्री सेल्सियस। बटोटे में 0 से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे, बनिहाल में 0.5 डिग्री नीचे और भद्रवास में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ के बाद गुरुवार सुबह गोलाबारी रुक गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए हैं। अब सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में इलाके में खोजी अभियान चला रही है। यह मुठभेड़ सोपोर के ब्राथ कलागुंड मोहल्ले में बुधवार को शुरू हुई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रही, तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सत्यमेव जयते। Thank you.